नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गाजीपुर थाने में होने वाले अपराधों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और गाजीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते चले आ रहे हैं। हालांकि उच्च अधिकारी तथा सत्ता के नुमाइंदों का आशीर्वाद प्राप्त होने के नाते गाजीपुर थाना अध्यक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं गाजीपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी उदित नारायण पुत्र बड़कू मिश्रा ने अभी 3 दिन पूर्व मारपीट की घटना में अतुल कुमार मिश्र की मौत हो जाने के बाद आज गाजीपुर चौराहे पर मृतक का शव रखकर ग्रामीणों ने रास्ते को जाम किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं गाजीपुर थाना अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अपराधियों के घर में चाय पीकर अपराध को बढ़ावा देने वाले गाजीपुर थाना अध्यक्ष ने अपराधियों से मोटी रकम लेकर मुलजिम को पहुंच से दूर रखा है। 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, परंतु प्रश्न खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल के सख्त निर्देश होने के बावजूद भी अपराधियों के हौसला बुलंद हैं। आज तक इतनी घटनाएं घटित नहीं हुई जितनी वर्तमान थाना अध्यक्ष के समय में घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के थाना कोतवाली में दलालों की भरमार है और अपराधियों को छोड़ने में महारत हासिल कर रखी है। गाजीपुर थाना अध्यक्ष ने यदि अपराध करने वाले अपराधी सीधे तौर पर थाना अध्यक्ष की जेब गर्म कर देते हैं तो उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं और उसका मात्र 151 में चलान करके छोड़ दिया जाता है। यह चर्चा गाजीपुर क्षेत्र में आग ही तरीके फैली हुई है। यही कारण है कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अगर पुलिस प्रशासन ध्यान देते तो यह लड़ाई होली के समय से चली आ रही है। जो आज इतनी बड़ी घटना हुई है शायद यह नहीं होती। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि थाना प्रभारी और कोतवाली प्रभारी का ट्रांसफर होने के बाद भी कुंडली बनाए बैठे रहते हैं और नेताओं की शर्त मंजूर कर लेते हैं, ट्रांसफर रुक भी जाते हैं। आए सुने पीड़ित परिवार के जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। ब्यूरो संजय पटेल के साथ आरके अवधराम की रिपोर्ट। फतेहपुर से की घटना हो गई, पुलिस ने कोई कर, 1 महीने में 4थी घटना है और आज तक FIR नहीं लिखी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपकी मांग क्या है DMSP यहाँ? मांग ये है कि अटेंडम 24 घंटे का हमसे समय मांगा था SO साहब ने, 24 घंटे के 48 घंटे हो चुके। 4 तारीख की घटना है, जोड़ लीजिए आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं किसान आदमी। 4 तारीख की घटना से आज 8 तारीख हो चुकी, अभी तक कह रहे हैं, वो भी रात में हमने एक बंदा अपनी तरफ से पकड़वाया। अच्छा, अगर हम ना पकड़वाते तो वहाँ कोई जाने वाला नहीं। सब सो रहे थे, पुलिस तो थी, 4 लोग सब सो रहे, हम ही लोगों ने पकड़वाया। तो आपका मेन कारण क्या है, आप ये जाम लगाए हैं? मेन कारण आपकी मांग क्या है? सौ की एक बात, हमें न्याय चाहिए। और उसके घर में जो हमारी बेटी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। गलत तो नहीं है, उसको कौन खिलाएगा? एकदम सही है, उसको कौन खिलाएगा? उसकी बच्ची, छोटा सा बच्चा है 5 महीने का, वो क्या करेगा, क्या करेगा, किसके सहारे रहेगा, बताओ। नाम क्या था आपके दामाद का? दामाद का नाम अतुल कुमार मिश्रा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? पिंडारन।